மோட்சமார்கசிநேதாரம் விதாரம் கர்மபூபிருதாம் ஜ்ஞாதாரம் விஸ்வதத்வானாம் வந்தே தத்குணலப்தே. தத்வார்த் சூத்ர கே துஸ்ரே அத்யாய் மே ஹம்னே 24வா சூத்ர பூர்ண கியா. சங்ககார கோ குஷ் சங்கா உத்பன்ன ஹுயி ஹே, जिसके फलस्वरूप ये 25वां सूत्र का जन्म हुआ है. मैंने कल दो बिंदु कहे थे. मैंने यह कहा था कि शंकाकार की यह शंका है कि विग्रह गति में स्थित जीव के न द्रव्येंद्रिय है न द्रव्य मन है, ऐसा होते हुए भी वह बिना शरीर के गमन कैसे करता है, विग्रह गति में कैसे गमन करता है, एक प्रश्न. तो उत्तर देते समय आचार्य देव ने दिया कि कर्मण का योग के निमित्त से वह गमन कर लेता है. फिर मैंने कल दूसरा हेतु दिया था इस सूत्र के जन्म का. अभी तक उपयोग का प्रकरण चल रहा था, अभी योग का प्रकरण चलेगा. और तीसरा हेतु तो ये है, उसका ये कहना है कि जब इंद्रिया और मन रहेगी ही नहीं तब जीव को बंधन कैसे होगा, आश्रव कैसे होगा, होगा ही नहीं. तो उसके उत्तर स्वरूप भी ये बताया जा रहा है कि नहीं, उसको आश्रव होगा, क्योंकि उसके योग पाया जा रहा है. इवन मिथ्या दर्शन अविरति आदि भी पाए जा रहे हैं, जो जिस भूमिका का हो, क्योंकि विग्रह गति में तो चौथा गुण स्थान भी यदि हो तो फिर मिथ्या दर्शन नहीं पाया जाएगा. तो अविरति आदि पाए जा रहे हैं और इवन योग पाया जा रहा है, कर्मण का योग, उसको लेकर तो निरंतर आश्रव होता ही है. अब हम मूल सूत्रों का सूत्र की तरफ देखते हैं. विग्रह गतौ कर्मयोग, सूत्र देखिए अभी सब है ना. मैं कुछ नए नए अर्थ आपको दिखाऊंगा. पहली तो बात यह है, हम विग्रह का अर्थ देखें. मैं आपको एक पंक्ति पढ़ के दिखाऊंगा, आप मुझे अर्थ बताएंगे उसका. विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का. सुना है कभी ये लाइन, इसका अर्थ क्या है? विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का, इसका अर्थ क्या है? मैं विग्रह के अनेक अनेक अर्थ बताऊंगा आपको, अब ध्यान से समझना. बोलिए. दूसरे का थोड़ा थोड़ा ठीक है. एक विग्रह का अर्थ, विग्रह का मूल लगता है, यहां पर पहले विग्रह का अर्थ क्या होगा? विकल्प विग्रह का. और दूसरे विग्रह का अर्थ क्या होगा? दूसरे विग्रह का अर्थ शरीर, बिल्कुल सही है. शरीर का विकल्प, ये मेरा, ये मैं, ये बीज है किसका? विग्रह का. हमारे जीवन में जो विग्रह हम भोग रहे, विग्रह मतलब क्लेश कलुषता, उसी को बाधा ऐसे भी कह सकते हैं. अपन कहते ना, जगह जगह समाज में विग्रह मत करो, मत अशांति फैलाओ, तो वो विग्रह, ये विग्रह के द्वार तो हो गए. ठीक है, तो विग्रह के वैसे मूल में दो अर्थ हम कर रहे हैं, एक तो शरीर और एक तो बाधा. अभी शरीर अर्थ कैसे बनता है थोड़ा सा देखते हैं. विग्रह विविध प्रकार के पुद्गल परमाणु के पिंड को ग्रहण करना, वह और उससे जो बनता है उसे विग्रह कहते हैं. ठीक है, तो ये विग्रह का अर्थ
एक प्रकरण में तो देह हो गया। अब विग्रह का अर्थ एक जगह बाधा, ऐसा अर्थ हुआ है तो उस हिसाब से इस सूत्र में क्या अर्थ बनेगा? ठीक है, विग्रह का एक अर्थ तो देह लिया अपन ने, अब विग्रह का दूसरा अर्थ बाधा ये ले लिया। अब इन दो में से अपन तीन अर्थ निकालेंगे। देखो कैसे, विग्रह का अर्थ देह लिया है, उसका अर्थ ये बनेगा पहला अर्थ कि देह की प्राप्ति के लिए किया गया गमन वह विग्रह गति है। विग्रह गति मतलब देह के पाने के लिए किया गया गमन, ये पहला अर्थ हमने किया देह की प्राप्ति के लिए, ऐसा पहला विग्रह का अर्थ हुआ देह के लिए। दूसरा अर्थ अभी एक और इसी में समझना, कायदे से हमें ये लगता है कि फिर तो सूत्र ये होना चाहिए था विग्रहाय गतौ। क्यों विग्रहाय गतौ? क्यों विग्रहाय मतलब होता है के लिए, और सूत्र तो है विग्रह गतौ। आप समझ रहे मेरा प्रश्न? विग्रहाय मतलब होता विग्रह के लिए, तो आपने ऐसा कैसे अर्थ निकाला? तो कहते तत्पुरुष समास कोई अकेला षष्ठी रूप नहीं होता है, संप्रदान के लिए भी प्रयोग हो सकता है। कितने जन बात को समझे? जैसे मैं उदाहरण दूं तो आप पकड़ो, और जैसे शब्द है अश्वघास, कौन सा समास है ये? तत्पुरुष समास, इसका क्या अर्थ हो सकता है अश्वघास का? बोलो भाई। अश्व का घास, एक ऐसा भी अर्थ हो सकता है। ये कौन सी विभक्ति हो गई? अश्व का घास, काकी के षष्ठी, काकी के रिलेट करना, और एक अर्थ हो सकता है अश्व घास का, यह घास अश्व के लिए लाया गया है, अश्व के लिए लाया गया घास। समास कौन सा है? पहली बात तो तत्पुरुष क्यों है, तत्पुरुष समास क्यों, तत्पुरुष समास क्यों है? मैंने कहा था आपको पूर्व पद प्रधान कब, द्वितीय पद प्रधान कब, दोनों पद प्रधान कब, कौन सा समास लेना, और विभिन्न ही अर्थ का सूचक हो तो कौन सा समास लेना। बताए थे चार समास, तो मैंने कहा था आपको एक तो अव्ययी समास, एक तत्पुरुष समास, एक द्वंद्व समास और एक बहुव्रीही समास, चार समास कहे थे। इन चारों के लिए चार अर्थ मैंने बताए थे आपको। अब घड़ी देखकर बैठे सब तो पता चलेगा। मैं मजाक नहीं करूं, ये 5-15 को रोज क्लास चलती थी, अभी छुट्टी के टाइम उनका कहना है हमारी रोज क्लास कर दो सुबह की, और उनको कोई नहीं उठाए, दौड़े दौड़े आ रहे सब स्नान वान करके 5:15 बजे, रोज उनकी 5:15 से 6:15 से आगे तक भी क्लास चली है 4 दिन सुबह, किनकी? 8वीं वालों की। अब ये देखो कब आया है। चलो क्या कह रहा हूँ मैं, ये समास में मेरे को क्या कहना कौन बताएगा? जैसे अश्वघास है उसके तत्पुरुष में मात्र षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा नहीं, चतुर्थी विभक्ति भी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? कितने ही अर्थ होते हैं, ऐसे थोड़ी है। तो जैसे यहाँ पर विग्रहाय गतौ लिखो, ऐसा शंकाकार का कहना है। क्यों, अर्थ क्या निकाल रहे हो आप? शरीर के लिए किया गया गमन, शरीर की प्राप्ति के लिए, नवीन शरीर के लिए। तो आचार्य देव यहाँ पर क्या बता रहे हैं? नहीं, जो विग्रह गतौ शब्द डाला है ये कौन से समास है? तत्पुरुष। लेकिन इसमें कौन सी विभक्ति लगानी है कह रहे? चतुर्थी भी लगेगी बोल रहे हैं। समझ में आता है? षष्ठी लगेगी तो क्या होगी? शरीर का गमन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब फर्क पकड़ में आ रहा है, शरीर का गमन और शरीर के लिए किया गया गमन तो टोटली अलग अर्थ है। शरीर का गमन मतलब तो शरीर अभी है, शरीर के लिए किया गया मतलब शरीर अभी नहीं है। अश्वघास में कदाचित हम अर्थ नहीं समझ पा रहे थे,
ये घोड़े की घास है और घोड़े के लिए लाई गई घास है, समझ रहे? लेकिन यहां पर तो टोटली अलग अर्थ फलित हो रहे हैं। तो यहां पर यह बताया कि व्याकरण तो किसी रूप में भी कुछ भी हो सकता है, तो यह चलेगा। तो पहला अर्थ विग्रह के रूप में दो अर्थ हम कर रहे हैं, एक विग्रह का अर्थ क्या करे सक्षम, दूसरा अर्थ क्या करे विग्रह का बाधा, राइट। अभी विग्रह के शरीर अर्थ रूप में भी हम ए में हमने पहला क्या खोला, शरीर के लिए किया गया गमन। अभी बी में आओ, इसी में शरीर का ही अर्थ में विग्रहेण गति, ऐसे भी इसकी विभक्ति हो सकती है, क्या विग्रहेण गति ऐसे भी इसका हो सकता है। विग्रहेण गति मतलब एक शरीर को छोड़कर निकलेगा जीव, ये तो पहला अर्थ क्या लिया, शरीर की प्राप्ति के लिए किया गया गमन, और दूसरा अर्थ यह है विग्रहेण गति का, शरीर से निकला है इसलिए किया गया गमन, समझ में आ रहा है? एक तो आगामी शरीर की तरफ संकेत कर रहा था और एक पूर्व शरीर की तरफ संकेत कर रहा है। ये दूसरा अर्थ में ये कहा जा रहा है, क्या करे समस्त नौकर्म वर्गणाएं खिर गई ना इसकी, तो कुछ रहा ही नहीं अभी, इसलिए गमन कर रहा है। ये दूसरे अर्थ में चला जाएगा, कहा से हटा ये विग्रहण गति में से निकल रहा है, और कहा जुड़ रहा है ये पहला अपन विग्रहाय गतो, ये इसमें से ले ही रहे हैं, आपको पकड़ रहे हैं आप सब। तो विग्रह गतो के दो अर्थ अपने के, विग्रहाय गतो और विग्रहण गति। विग्रह विग्रहाय गति में क्या लिया, आगे के शरीर के लिए किया गया गमन, विग्रहण गति के लिए क्या कर रहे हैं, पूर्व शरीर को छोड़ के किया गया गमन, समझ में आता है? दोनों बातें फलित होती, क्योंकि वहां से हट रहा है यहां पर जा रहा है, चलना है आगे। वहां पर क्या हुआ, मरते समय में एक दिन अंतिम समय में क्या हुआ, एक साथ समस्त नौकर मुर्गणाएं खिर गई। ध्यान रखना है, जन्म के पहले समय में मात्र इकट्ठा ही इकट्ठा करते नौकर मुर्गणाओं को, और मरते समय में छोड़ते ही छोड़ते हैं, और बीच के जितने भी समय उसमें क्या होगा बताए, दोनों होता जाएगा, क्योंकि अभी जैसे हम जी रहे हैं तो शरीर के परमाणु नहीं ग्रहण कर रहे, छोड़ रहे, लेकिन मरण के अंतिम समय में मात्र छोड़ेंगे, और जन्म होने के पहले समय में मात्र ग्रहण करेंगे, और दूसरे से लेकर सेकंड लास्ट समय तक दोनों होगा, और पहले समय में जितना ग्रहण करेगा उतना दूसरे समय में ग्रहण नहीं करेगा, और अंतिम समय में जितना छोड़ेगा उतना अन्य समय में नहीं छोड़ेगा। पकड़ रहे आप लोग सब? मैंने कल कहा था योग से क्या क्या आकर्षण होता है, किस किस का बताए, कर्मण वर्गणा का, आहार वर्गणा का, मनोवर्गणा का और भाषा वर्गणा का। यदि कर्मण का योग है, कर्मण शरीर का आकर्षण हुआ, मनोयोग है मनोवर्गणा का आकर्षण हुआ, और वचन योग है भाषा वर्गणा का आकर्षण हुआ, और औदरिक औदरिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, वैकरिक वैकरिक मिश्र का योग है, तो नौकर्म वर्गणाओं का आकर्षण हुआ। बोलो कितने जनों को प्रकरण पकड़ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डाउट है कुछ बोलिए। कौन सी, एक शरीर को छोड़कर दूसरे की प्राप्ति के लिए, लेकिन ये दोनों में तो आई जा रहा है, ठीक है, दोनों का एक ही तो भाव बनेगा उसका, ठीक है। अभी गतौ शब्द की तरफ आप आएंगे, विग्रह गतौ, गतौ इस शब्द में यहां पर गति का अर्थ क्या करना हम देखते हैं। अभी गति का अर्थ, वैसे जब चार गति की चर्चा आई है जनागम में, तो वहां पर गति का अर्थ शंकाकार गमन कर बैठा था, आचार्य देव उसको समझाते थे कि गति का अर्थ यहाँ पर गमन नहीं करना, क्योंकि ये विशिष्ट जीव की अवस्था है, क्योंकि गति का अर्थ गमन करेंगे तो पुद्गल के भी गति सिद्ध होगी। तो ये गति मतलब एक विशिष्ट अवस्था है जिसके कारण ऐसा ऐसा शरीर जीव धारण करता है। अब यहाँ पर विपरीत प्रकरण है, यहाँ पर गति का अर्थ कोई नरक तिरंचाइज दी ऐसी गति वाला नहीं करे ना, ये पंचम गति सिद्ध गति जैसी है ये, लेकिन ये वैसी दो गति के बीच में
हुई वाली गति है ये, ये गति कोई वैसी गति नहीं है, ये गति मतलब लेना है यहाँ पर गमन, गतो धातु। इसलिए अर्थ निकलेगा शरीर के लिए किया गया गमन, नए शरीर के लिए। अब नया शरीर मतलब यहाँ पर कौन सा शरीर लेना, लेकिन आगामी मतलब कौन सा शरीर लेना, आहारक, क्यों औदरिक नहीं हो सकता, आहार वर्गणा की बात अलग, औदरिक वैकरिक या आहारक। हालांकि आहारक शरीर के नहीं नहीं बोलेंगे आहारक शरीर, या तो औदरिक या वैकरिक ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ी ना विग्रह गति कहते हैं आहारक शरीर को ग्रहण करने, या तो वैकरिक शरीर ग्रहण करना या तो औदरिक शरीर ग्रहण करना, दो ही प्रकार के तो शरीर होते हैं सभी जीवों में, वो तो आहारक शरीर प्रासंगिक होता है, ये तो जन्म के काल की बात है, मरने से और जन्म के बीच के। तो नया शरीर धारण करना, नया शरीर मतलब औदरिक या वैकरिक शरीर धारण करने के लिए जो गमन होता है जीव का, उसे कहते हैं विग्रह गति। वैसे अभी भी दो शरीर तो उनके पास है ही, तेजस शरीर और कर्मण शरीर, ठीक है। इससे अन्य मतियों का ये खंडन हो गया, जिसमें जिन मतियों का ये कहना है कि कोई भी जीव मरता है तो 10-12 दिन, अभी इसके लिए अलग से एक पॉइंट लिख लो, एक हेडिंग डाल के, अन्य मत का खंडन। अन्य मत का क्या खंडन होता है कि अन्य मत ये मानते हैं कि मरने के बाद 10-12 दिन लगते हैं उसको गति मिलने को, इसलिए ये मान्यता चल पड़ी है कि 12-13 दिन बाद वे श्राद्ध मनाते हैं। आप जानते हो ना, पितर पितर कहते हुए श्राद्ध मनाकर वे 13वें दिन मृत्यु भोज देकर सबको भोजन कराने का उद्देश्य रहता है उनकी आत्मा को गति मिले। पकड़ में आ रहा है आपको, अभी भी उनकी आत्मा भटक रही है, ऐसे वे मानते हैं। वे मानते हैं कि 10-12 दिन भटकती है, फिर 12-13 दिन में ये कार्यक्रम करने के बाद वो भटक, उसको प्रॉपर गति मिल जाती है। उनका खंडन इसमें यह हो गया कहकर क्या कि अरे तुम 10-12 दिन की बात करते हो, अभी तो आगामी सूत्र में आएगा, कल देखना है वैसे हमको कि ज़्यादा से ज़्यादा चौथे समय में तो पकड़ ही लेता है दूसरी गति। तो बर्थडेज मनाने की जितनी कल्पना है या शोक मनाने की जितनी बातें हैं मरने के बाद, वो सब खत्म होती है क्योंकि तुम यहाँ पर रो रहे हो और ऑलरेडी उसने नया भाव धारण कर लिया है। वो तो पता भी नहीं चल सकता किसी को 3 समय में ये मरा है, कम से कम 2-5 मिनट तो लगेंगे कि नहीं मरा है, पहले ही दूसरी गति धारण किए, क्या रोना अभी। और दूसरी मान्यता का ये खंडन होता है, अन्य मति में कोई कोई ऐसे मानते हैं मुर्दों को इसलिए नहीं जलाना चाहिए, इसलिए गाड़ना चाहिए, क्योंकि जब उनका नंबर आता है भगवान उनको बुलाता है और फिर उनका हिसाब करता है कर्मों का, फिर कह रहे तुम इसको जलाओगे तो हिसाब कैसे होगा इसका, तो उनको गाड़े रखो। तो उनके मान्यता के अनुसार कह रहे 50 साल कभी 100 साल भी लग सकते हैं उनका नंबर लगने में, क्योंकि बहुत क्यों है, इतने जीव है, किन किन का हिसाब निपटाएगा एक आदमी, तो कहते उनको गाड़े ही रखो। तो तब तक उनको गति नहीं मिलती है, तो 100 वर्ष के बाद जब उनकी सुनवाई होगी तब उनको नई गति मिलेगी, भटकती रहती है। इस मत का भी खंडन हो गया। और जिनका ये मानना है कि बीच में वो नया जन्म धारण करने के बीच में यमराज आता है और बीच में दूसरी गति जाने तक वो खूब दंड देता है उसके प्रायश्चित के, इस मान्यता का भी खंडन हो जाता है, क्योंकि कोई मरने के बाद ही दंड मिलता है ऐसा थोड़ी है, जीते जी ये जीव भुगत रहा है, सब प्रतिकूलता आती है, दरिद्रता आती है, रोग की अवस्था आती है, संयोगों का वियोग होता है, बुद्धि की हीनता होती है, यही फल होता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि अभी मरने के बाद वो अभी वो उसके बीच में सब दंड देगा यमपाल, कोई क्या नाम उसका, यमपाल नहीं, यमराज, यमराज, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये विग्रह गतो कर्मयोग, और इसके बीच में कर्मण का योग बना रहता है जिसमें कर्मण शरीर तो निरंतर आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस शरीर से तो थोड़ा छुटकारा भले मिले,
लेकिन कर्मण शरीर से छुटकारा नहीं मिल सकता, उसका निरंतर बंद हो रहा है। कर्माहार ये नारकियों को भी कहा है, याद आ रहा है? नो कर्माहार तो अरहंतों के भी कहा, ठीक है, लेकिन ये कर्माहार सबको कहा, सांसारिक जीवों को। इवन विग्रह गति में अन्य कोई आहार नहीं हो तो कर्माहार तो चल ही रहा है। नारकियों के भी नो कर्माहार चल रहा है। कौन सा नो कर्माहार चल रहा है नारकियों के? कौन सा नौकर महार चल रहा है? वैक्रिक शरीर है ना उनका, तो उस योग्य नौकर्म वर्गणाए आहार वर्गणाए ग्रहण कर ही रहे, तो उनके भी नौकर महार चल रहा है। अरे पकड़ में आ रहे कि नहीं? ठीक है, मैं और प्रश्न पूछूं। ये विग्रह गति के अलावा और भी कोई ऐसा स्थान है कि जहां पर मात्र कारवण का योग होता है? ये मरने और जन्म के बीच में का काल छोड़कर कोई है ऐसा काल? केवली समुद्घात में आपको याद होगा, इसमें पहले और सातवें समय में अवदरिक का योग कहा था, दूसरे और छठवें समय में अवदरिक मिश्र का योग कहा, तीसरे और पांचवें समय में, हाँ तीसरे चौथे पांचवें तीन समयों में कारमण का योग कहा था। विग्रह गति जैसी स्थिति होती है कहाँ पर? ज्ञान में है आपके, ये सुना है कभी? क्या कह रहा हूँ, केवली समुद्घात सात समय में होता है ना, आठवें समय में तो लौट के आता है, उसमें तीसरा नहीं, तीसरा चौथा पांचवा ही समय कहा गया अभी, हाँ तीसरा चौथा और पांचवा समय ये विग्रह गति समान कहा गया है। वहां पर मात्र कारमण का योग ही होता है। कहाँ पर? केवली समुद्घात की बात है। ये सूत्र में किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक प्रश्न तो फिर भी एक रहा है, उसको लेते हैं। प्रश्न ये है कि विग्रह गति में सांसारिक जीव की अवगाहना कितनी रहेगी, कितनी होगी? विग्रह गति में जीव की अवगाहना कितनी होगी? पुराने शरीर प्रमाण या पुराने शरीर से किंचित न्यून, ऐसी दो अपेक्षा आचार्य ने डाली है। उपवलाहट वगैरह वो सब निकल जाते हैं, और फिर सिद्धों से विलक्षण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कर्माहार चल रहा है। यदि कर्माहार भी नहीं चल रहा चलता, दो वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे, कर्म वर्गणा तेजस वर्गणा, तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बन रहा है और कर्मण वर्गणा से कर्मण शरीर बन रहा है। ये नहीं बनता तब तो सिद्धों में इनमें कुछ अंतर ही नहीं डालते। अच्छा, यहाँ पर तेजस शरीर का क्या रोल होगा? कल एक प्रश्न पूछ रहा था एक जन, याद आ रहा है प्रवचन के समापन में, तेजस शरीर का यहाँ क्या रोल होगा बताए कोई? वैसे तेजस शरीर करता क्या है? शरीर की कांति देता है। अब यहाँ पर कोई पूछे बताओ यहाँ पर क्या करता है? कांति देने के लिए शरीर ही नहीं है तो यहाँ पर तो इतना ही बोलना, तेजस शरीर नाम कर्म के उद्देश्य यहाँ पर इतना ही होता है, तेजस वर्गणा तेजस शरीर रूप होती रहती है। वो किसको कांति देगी ये बात नहीं है, वो तो उसके हयाती में ही अवधरिक वैकरिक शरीर के हयाती में कांति का सवाल खड़ा होगा अवधरिक वैकरिक आहार के। कोई प्रश्न हो तो करे। नहीं तो आगे का सूत्र पढ़ना है फिर अपने को। आइए नया सूत्र हम देखते हैं, 26वें सूत्र में सब आए, अणुश्रेणी गति ही। क्या सूत्र है? आधा मिनट रुक जाते हैं, तैयार हो जाओ, सेट हो जाओ सब, फिर चालू करते हैं। किसी का कोई नोट्स बची हो तो बताओ, तो फिर मैं यहां से बोल सकता हूं उसको। कोई किसी को भूलन हो रही है? नहीं, बोलो। जन्म के समय क्या ग्रहण करता है? जन्म के पहले समय में विग्रह गति के बाद पहले ही समय में जहाँ पर जन्म लेगा, पहले ही समय में नौ कर्म वर्गणा ग्रहण करना चालू करता है शरीर योग्य। और अभी विग्रह गति में तेजस और कर्मण ये दोनों वर्गणाएं तो ग्रहण कर ही रहा है। बोलो किसमें? यहाँ पर इस प्रकरण में गति का अर्थ गमन, और वहां पर गति का अर्थ गमन नहीं लेना, ये कह रहा हूं मैं। कहां पर?
चार गति के प्रकरण में चलना है आगे। अनुश्रेणी गति ही। अभी प्रश्न यह खड़ा हुआ है कि यह जीव विग्रह गति में गमन तो करता है, नए शरीर धारण करने के लिए जब गमन करता है तो कैसे गमन करता है, किस मार्ग से आएगा, कैसे आएगा। यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सदेह जीव, देह से युक्त जीव, वो तो चाहे जैसा गमन करता है। समझ में आता है? चाहे जैसा मतलब ये तो दसों दिशाओं में गमन कर सकता है। कितने, कौन कौन सी दस दिशाएं हैं? चार दिशाएं, चार विदिशाएं और ऊर्ध्व और अधो, ये दसों दिशाओं में गमन करता है। हम तुम लोग सब करते ही है, सब दसों दिशाओं में गमन, वक्र यहां वहां यत्र तत्र कहीं भी। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न हुआ है विग्रह गति वाले की क्या स्थिति है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है नहीं, विग्रह गति वाला जीव तो कहते हैं अनुश्रेणी में ही गमन करेगा। अनुश्रेणी में ही मतलब ये जो श्रेणियां होती है, किसकी श्रेणियां, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, अब जानते हो ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ऐसे आकाश में श्रेणियां बनी पड़ी है आत्म, ये प्रदेशों की एक सेटेड लाइन में है ये, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसको श्रेणियां कहते हैं, श्रेणियां। अब समझ रहे, जैसे इसको भी श्रेणियां कहते हैं ना, वो विंध्याचल की श्रेणियां, हिमाचल की श्रेणियां, श्रेणी मतलब एक कतार। तो यहां पर भी आत्म प्रदेश जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल को लॉन्गिट्यूड्स, ऐसे कहते हैं क्या उल्टा, हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं समझते आप लोग, बोलो ना अच्छे से। तो ये श्रेणियां ज्योग्राफी भी मानता है, ये कोई आंखों से थोड़ी दिखते हैं ये रस्ते। अब मैं हमेशा कहता हूं ना, ये तो रोड के, ये रोड रस्ते है, ये तो अपने को दिख जाते हैं जिस पर गाड़ियां चलती है, क्या आप जानते हो। मैं हमेशा कहता हूं इसलिए, विमान के भी अपने अपने रस्ते होते हैं, लेकिन वे रस्ते ऐसे नहीं है जो किसी ने कभी कंस्ट्रक्ट किए हो और किसी को दिखते हो। लेकिन एक आप जानते हो, जैसे पुणे से निकला प्लेन और पहुंच रहा है दिल्ली तक, तो ये एक सेटेड दिशा रास्ता है इसका, 2500 विमान निकलेंगे तो इसी रास्ते से निकलते हुए, ऐसे कैसे पता चलेगा। ये बराबर रडार बोलता है, थोड़ा ऊपर चलो, थोड़ा नीचे चलो, उसी एक पर्टिकुलर दायरे में चलते हैं, राइट लेफ्ट भी नहीं, क्यों, धड़का धड़की होगी ना, इतने विमान चिड़ियो जैसे उड़ रहे यहां पर, तो पर्टिकुलर यहां पर एक दिशा है इनकी, समझ रहे। तो इनके भी रोड्स बने हैं, मुझे तो कहना है यहां पर भी ये श्रेणियां बनी है, तो इसी डेफिनेट श्रेणी में गमन करता है जीव। श्रेणी में मतलब क्या बात फलित हो रही है, वैसे जैसे जीव यहां पर है, अपन प्लस साइन का कोई पॉइंट बीच में खड़ा करो, प्लस साइन का, तो कहते क्या होगा, तो कह रहे या पूर्व की तरफ जाएगा, या पश्चिम की तरफ, या उत्तर की तरफ, या दक्षिण की तरफ, चार दिशाओं में, इसको कहते श्रेणीबद्ध गमन, स्ट्रेट, और या ऊपर या नीचे, इसको कहते हैं षट उपक्रम। क्या बोलते हैं इसको, अरे बोलो, विग्रह गति में स्थित जीव ये षट उपक्रम में ही गमन करता है। इससे क्या बात फलित हुई, दो बातें फलित हुई, एक बात तो यह फलित हुई कि विदिशाओं में इसका गमन नहीं होता, एक बात तो यह फलित हुई, और दूसरी बात यह फलित हुई कि जिनका यह कहना है, लोगों का यह कहना है कि पहले ऊर्ध्व गति में जाएगा जीव और फिर जहां गमन करना है सो करेगा, समझ रहे हैं ना आप। किसी किसी का यह कहना है, देखिए यहां पर चलो लिखने के बाद मैं बताऊं आपको। पहले कौन से मत का खंडन किया, किस बात का, कि जिनका यह कहना है दसों दिशाओं में गमन होता है, विदिशाओं में, उनका खंडन कहकर यह हुआ नहीं, दिशाओं में ही गमन होता है, श्रेणीबद्ध गमन है इनका, स्ट्रेट। अभी जिनका यह कहना है, देखो किसी किसी का यह कहना है मध्यलोक में कोई जीव है, नरक में जन्म लेना है उसको, सीधा नीचे, तो कह रहे सीधा नीचे नहीं जाएगा, तो पहले ऊपर जाएगा, क्यों, क्या हेतु देते हुए, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का,
ऐसा श्वेतंबरी लोग कहते हैं और उनका खंडन किया दिगंबर आचार्य ने ये कहकर कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, जो शॉर्टेस्ट रूट है और जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं ऐसा मार्ग अपनाते हुए ऊपर नहीं जाएंगे उसके लिए। हाँ ऊपर ही जन्म लेना है देवगति में कही, देवगति में या एक इंद्रिय में ऊपर भी कही तो फिर तो ऊपर ही निकलेंगे, राइट में लेना है तो राइट में निकलेंगे, लेफ्ट में लेना है लेफ्ट में, लेकिन हर कोई गमन के लिए पहले ऊपर आएंगे यह कंसेप्ट ठीक नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्व गमन स्वभाव ये तो स्वाभाविक परिणमन है, उनके स्वाभाविक परिणमन का भी सवाल ही खड़ा नहीं होता है, आप समझ रहे हैं। वो तो जो सिद्धों के होते हैं वो स्वाभाविक परिणमन की बात है, और स्वाभाविक परिणमन संसारियों को क्यों होगा, अभी उनके कोई प्रकट नहीं है गुणों का विकास। चलो ये बात हो गई, आगे इसमें बात ये भी है कि इसका अर्थ ऐसा ही नहीं लगाना है, कैसा कि जीव का विग्रह गति में अनुश्रेणी से गमन होता है, तो क्या अर्थ लगाएंगे फिर इसका। जीव के साथ साथ पुद्गल की भी चर्चा है इस सूत्र में, मुझे कौन इसका रहस्य खोल सकेगा अनुमान से। जीव के साथ साथ ये पुद्गल का भी निरूपण है, कौन प्रकरण खोलेगा, आप नहीं समझ पा रहे इस प्रकरण को। ये कहना चाहते हैं कि परमाणु होता है ना परमाणु, वो भी ऐसा ही गमन करता है, ये कह रही है अनुश्रेणी में ही, वो भी चार विदिशाओं में गमन नहीं करता परमाणु, जैसी स्थिति इसकी है वैसी स्थिति परमाणु की है कह रहे, और जैसी स्थिति इसकी देह से युक्त होता है तब होती है, देह मतलब यहां पर औदरिक वैकरिक का आहार लेना, क्योंकि ये पांचों को तो शरीर बोल ही रहे हैं अपन, अभी यहां पर शरीर मतलब मुझे औदरिक वैकरिक का आहार कहना है, उससे युक्त होता है तो चाहे जिस दिशा में चलता है अशुद्ध अवस्था में चाहे जिस दिशा में चलेगा दसों में से, उसी प्रकार स्कंद भी चाहे जिस दिशा में गमन करता है, लेकिन मात्र परमाणु और ये अशरीरी जीव, अशरीरी मतलब औदरिक विकृति का हरक शरीर की अपेक्षा, अशरीरी जीव और परमाणु इनका अनुश्रेणी में गमन होता है, ना देह से युक्त जीव का होता है, ना देह मतलब औदरिक विकृति का हरक, ना स्कंद का होता है, मात्र इतने में तो उनका तो सर्वत्र गमन हो सकता है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं भाई, कठिन बिल्कुल नहीं प्रकरण चल रहा है, यहां पर बात इतनी सी है कि जीव के साथ साथ पुद्गल का भी प्रकरण समझना, और पुद्गल मतलब कौन सा पुद्गल लेना, परमाणु। अभी एक प्रश्न यह हो सकता है कि आपने कैसे जाना, यहां पर लोग कैसे समझेंगे कि पुद्गल का भी ग्रहण होना है, क्यों शंकाकार की क्या शंका है, बोलो क्या बोल रहे हैं वो। प्रकरण तो जीव का चल रहा है, क्या हेतु है उसके पास, हेतु सरासरी हेतु यही है सीधा सीधा कि पहले चार अध्याय में तो जीव का ही निरूपण है, और जीवस्य ये पहला ही सूत्र था तो ये जीव का ही प्रकरण चल रहा है, इसमें भले आदमी कौन समझेगा ये पुद्गल का प्रकरण है। तो आपको नोट करना चाहिए ऐसा कि परमाणु में भी ये लागू होगा, तो आचार्य देव कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसमें पुद्गल भी शामिल है, पकड़ में आ रहा है, कैसे पकड़ में आता है, कह रहे आगे का सूत्र पढ़ो ना 27वां अविग्रह जीवस्य, तो वहां पर ये जीवस्य ऐसा शब्द क्यों डाला फिर जब जीव का ही प्रकरण चल रहा है, क्योंकि वहां पर जीव का इसलिए डाला क्योंकि कहते हैं वो मात्र जीव का प्रकरण आएगा आगे का, इससे ये बात फलित हुई कि 26वां सूत्र जीव के साथ साथ पुद्गल में भी लगाना चाहिए। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। और एक बात और ये कह रहे वे कि इस 26 सूत्र को 26वें सूत्र को गौर से देखो, कह रहे हैं इसमें गति शब्द फिर से पड़ा है, तो कोई आवश्यकता थी क्या गति की फिर से यहां पर, क्यों
क्योंकि पूर्व सूत्र तो कहते ही आए हैं विग्रहगत कर्मयोग, यहाँ पर अनुश्रेणी ही बस इतना लघु सूत्र हो सकता था। लेकिन आचार्य देव कहते हैं हमने गति लगाया ही इसके लिए, किसके लिए गति लगाया हमने दूसरी बार, क्योंकि तुम्हें यह ख्याल में आए कि जीव के साथ साथ ये पुद्गल की भी चर्चा है, ये दूसरा हेतु दे रहे हैं। ये मतलब आगे आने वाला जीवस्य शब्द और यहाँ पर सूत्र में पड़ा हुआ गति शब्द, ये दोनों इसके लिए संकेत है, किसके लिए, कि पुद्गल परमाणु को भी इसमें शामिल करना है। और पुद्गल मतलब परमाणु को ही है, स्कंद को नहीं शामिल करना है। और जो षट उपक्रम होगा जीव का, उस षट उपक्रम में एक बात समझना कि जो नियरेस्ट एंड कन्वीनियंट हो उस दिशा में वो बढ़ता है आगे। पकड़ रहे हैं आप, जबरन लॉन्ग रूट नहीं पकड़ेगा वो। अभी मैं थोड़ा सा आपको आगे के सूत्र की तरफ बढ़ने के पहले यहां से कुछ प्रश्न पूछूंगा जो यहां पर दिए हैं। देखिए आगे, वैसे मैं मेरा प्रश्न पूछूं पहले आपको, तो जन्म कब कहलाया जीव का बताएं। मेरा प्रश्न ये है कि जब पेट से निकला बाहर तब जन्म हुआ एक, ये तो कोई नहीं मानेगा आप में से। मेरा यह प्रश्न है अभी जब गर्भ में आया पहले समय में उसको जन्म कहेंगे कि विग्रह गति का पहला समय उसको जन्म कहेंगे, बताएं। जानते हो आप, विग्रह गति के पहले समय में ही अन्य कोई प्रकृति उदय में आए, नहीं तो नहीं आए। आयु तो आई जाती है, इसलिए विग्रह गति में भी हमने जब प्राण की चर्चा की थी तब मैंने बोला था आयु तो यहां पर आएगी, आयु तो तुरंत चालू होते, मरा और आयु चालू, और बाकी की कर्म प्रकृतियां है जैसे शरीर नाम कर्म का उदय अवदरिक आदि, ये तो कब उदय में आएगा, ये तो विग्रह गति के बाद पहले समय में आएगा। विग्रह गति के बाद मतलब जब शरीर गर्भ में जाएगा वहां से चालू होगा उसका, गर्भ में या संमूर्छन होना है जहां पर भी हो। अब यहां पर प्रश्न पूछा है, देखो प्रश्न है, मेरु प्रदक्षिणा करते समय चंद्रमा आदि ज्योतिषी देवों की, विद्याधर आदि अन्य जीवों की गति श्रेणी के बिना ही दिखाई देती है, अतः श्रेणीबद्ध गमन होने का नियम नहीं है, बोलिए समाधान करो प्रश्न। मेरु प्रदक्षिणा करते समय चंद्रमा और ज्योतिषी देवों की, विद्याधर आदि अन्य जीवों की गति श्रेणी के बिना ही दिखाई देती है, अतः श्रेणीबद्ध गमन का नियम नहीं बनता है, बोलो। क्योंकि विग्रह गति में होती है, बराबर। ये कह रहे मरण की तरफ से कथन है, इजी प्रश्न है ये बहुत। कह रहे यहाँ काल और क्षेत्र का नियम रूप कथन मरण की अपेक्षा है, मरण के बाद जीव का जब नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए अन्य भव में गमन होता है तब वह सीधा आकाश के प्रदेशों की पंक्ति अनुसार ही जाता है, मुक्त जीवों का ऊर्ध्वगमन ही वो बात अलग। समझ में ये मरण की अपेक्षा कथन है। अच्छा अब आगे यहाँ पर एक प्रश्न है, जीव और पुद्गल एक समय में 14 राज्य ऊंचे गमन कैसे करते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं, वैसे का वैसा पढ़ रहा हूं। ये 319 पेज है, ये 26वें सूत्र का। जीव और पुद्गल एक समय में 14 राज्य ऊंचे गमन कैसे करते हैं बताओ। कह रहे यदि कोई जीव नीचे से मतलब एकदम नीचे तल में खड़ा है और उसको नीचे से वात वलय से निकलकर, नीचे के वात वलय से निकलकर, ये वात वलय भी कौन सा लेना पड़ेगा, तनु वात वलय से निकलकर ऊपर सिद्ध शिला में या तनु वात वलय में उत्पन्न होता है तो उसका 14 राज्य ऊपर गमन होता है। इसी प्रकार पुद्गल की भी 14 राज्य गति है, यह क्षेत्र का नियम है। ठीक है चलना है आगे। अभी अविग्रह जीवस्य इसको हम लेते हैं, अविग्रह जीवस्य जो आगामी सूत्र है इसकी तरफ सब आइए। अभी यहां पर यह कह रहे हैं कि यहां पर विग्रह का एक नया अर्थ लेना है,
विग्रह का अर्थ ए, वैसे विचार करें हम तो विग्रह, अरे हम तो एक प्रकरण भूल आए हैं, एक कौन सा हा? विग्रह का दूसरा अर्थ मुझे करना था, बाधा, उसके अपेक्षा मैंने अर्थ ही नहीं लिया था। देखो विग्रह का अर्थ यदि बाधा लेते तो विग्रह गतौ कर्म योग, वो वाले सूत्र में जहां पर मैं बता रहा था ना विग्रह के दो अर्थ लिए थे, वही पर ये डालो प्रकरण को, मिल रहा है तो देख लो जल्दी। वहां पर विग्रह का अर्थ मैंने बाधा लिया था, उस अपेक्षा से अर्थ ये पड़ेगा विग्रह गतौ का, यहां पर बाधा हो रही किसकी, कह रहे कि नौकर मर्गणाई नहीं आएगी, उसका व्याघात होना, उसको बाधा होना, किसको, नौकर ऐसी स्थिति जहां पर कर्मण वर्गणा तो आए लेकिन नौकर्म वर्गणाओं को व्याघात हो, ऐसी व्याघात मतलब विग्रह, उस स्थिति को विग्रह गति कहते हैं। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर विग्रह मतलब व्याघात, और व्याघात किसका हो रहा है सीधा बोलो तो नौकर्मों का व्याघात हुआ, क्यों, कर्मण वर्गणा आते समय कर्मण वर्गणा तो आ रही है, नौकर्मणाओं का व्याघात, व्याघात मतलब उनका न आना, रुक जाना, वो विग्रह गति का एक अर्थ होगा। इस प्रकार विग्रह गति के कितने अर्थ हुए आपने, तीन, बहुत अच्छा। पहले दो तो एक विग्रह को शरीर मानकर किए गए अर्थ है, कि विग्रह की प्राप्ति के लिए, एक विग्रह से निकल कर किया गया गमन, दो, और एक तीसरा अर्थ विग्रह का अर्थ बाधा व्याघात, इस रूप में तीसरा अर्थ किया हमने। अभी अविग्रह जीवस्य में विग्रह का और एक नया अर्थ आ रहा है, यहां पर अर्थ क्या करेंगे विग्रह का, मोड़। व्याघात के रूप में भी मोड़ का प्रयोग हो सकता है, वैसे तरकीब से लगाओ तो तीसरा अर्थ मोड़ ऐसा न कहकर फिर इसी के अंतर्गत ही अर्थ समाहित हो जाएगा, ठीक है। अविग्रह जीवस्य में क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं जीव का गमन मोड़ से रहित भी होता है, ठीक है, जीव का गमन। ये कौन से जीव की बात चल रही है, विग्रह गति वाले जीव की बात है, लेकिन ये सूत्र का अर्थ ये बनेगा कि ये मुक्त जीवों का गमन मोड़ से रहित होता है, ये वैसे विग्रह गति वाले जीव की बात नहीं है, मरा है जीव जरूर लेकिन नया शरीर धारण करने के लिए नहीं जा रहा है, तो मोड़ से रहित मुक्त जीवों का गमन होता है, ये सूत्र का अर्थ है। अब शंकाकार की एक शंका जायज है, बोलो क्या शंका है उसकी, ये जीव भी तो कर सकता है, नहीं उसका यह कहना है कि मुक्त जीव ऐसा तो शब्द इसमें पड़ा ही नहीं है सूत्र में, आपने कहां से निकाल लिया, अविग्रह जीव से इतना सा सूत्र है, मतलब क्या अर्थ आप कर रहे हैं उसका, मुक्त जीवों का गमन मोड़ से रहित होता है, ठीक है, मुक्त जीवों का गमन मतलब जो अंतिम स्टेज है जहां पर 14वां गुणस्थान पूरा होगा, और 14वां गुणस्थान का काल कितना कहा, 5 ह्रस्व अक्षरों का मंद स्वर में उच्चारण, ये अयोग केवली गुणस्थान कंप्लीट हुआ रे हुआ तो मध्य लोक में से ये चल निकले और सीधे ऊपर सीध में निकलते हैं और वहां पर उर्दू लोक में जाकर विराजमान होते अग्रभाग में, पकड़ रहे आप सब, तो ये बिल्कुल सीधा ही गमन करते हैं मोड़ रहित मुक्त जीवों की बातें। तो शंकाकार की शंका है कि आपने मोड़ रहित कैसे बोल दिया इसको, सॉरी मुक्त जीव में ही कैसे बोल दिया, यहां पर तो लिखा नहीं है, तो आचार्य देव क्या समाधान करेंगे बताए आप, लगाओ जोर, वो कह रहे आगामी सूत्र पढ़ो, वहां पर लिखा है विग्रह गति च संसारिन प्राक चतुर्भ्य, लिखा है मतलब आगामी सूत्र में कौन सा शब्द पड़ा है, एक संसारी, बहुत अच्छा, तो उससे यह बात फलित होगी कि वो चर्चा संसारी की है, तो उससे यह बात फलित हुई कि ये जो सूत्र है ये सिद्धों का सूत्र चल रहा है, पकड़ रहे हैं आप, पकड़ रहे हैं सब, ये सिद्ध गमन करते हैं मात्र मोड़ रही थी गमन करते हैं, यहां पर यह बताना है अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव का गमन मोड़ रहित होता है, मुक्त जीव हमने ऐसा लगाया क्योंकि आगामी सूत्र में संसारी लिखा है, उससे हमने जाना ये मुक्त की चर्चा है, ठीक है। अब मैं आपको इतना बता दूं, ये आगामी सूत्र तो कल लेंगे अपन, 28वां सूत्र, आज मैं ये बताऊं आपको
कि सिद्ध भगवान कितने क्षेत्र में विराजमान है आज, और अच्छे से पूछूं सिद्ध क्षेत्र का फैलाव कितना है। 45 लाख योजन, बिल्कुल सही। उसका कारण और औचित कौन सिद्ध करेगा? कारण क्या है, औचित क्या है इसका? 45 लाख योजन की ही सिद्ध शिला क्यों, और सिद्ध शिला ही उतनी है ये नहीं, सिद्ध भी है वहाँ वहाँ पर, इसका मतलब सिद्ध क्षेत्र भी है वो, तो उतना ही क्यों 45 लाख योजन? बोलो, बोलो असंख्यात कहाँ से लाए? सिद्ध अनंत होते हैं। सामान्य को 45 लाख योजन की क्या आवश्यकता है? सामान्य को अवगाहन है, एक स्थानीय अपेक्षा आवश्यक है, बस खत्म, उसमें अनंत समाहित हो सकते हैं। 45 लाख योजन क्यों? क्योंकि जो मोक्ष होता है वो ढाई डिग्री के अंदर बराबर, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र है 45 लाख योजन का। मनुष्य क्षेत्र मतलब ये ढाई द्वीप है 45 लाख योजन का, इसलिए वो भी है ऊपर 45 लाख योजन का। ठीक है, 5 पैताले होते हैं, पता है आपको 5 पैताले? व्हाट इज 5 पैताले? मैंने एक दिन गिनाए था आपको, 45 लाख योजन की 5 चीजें हैं। एक तो सिद्धशिला है, एक दो ढाई द्वीप है, एक तो मनुष्य क्षेत्र है, ऊपर सिद्ध क्षेत्र है, और भी चीज है कुछ मैं भूल रहा हूँ, अभी प्रकरण में आओ। अपना 45 लाख योजन कैसे बना उसकी गिनती देखे हम। 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप का फैलाव, फिर दुगुना दुगुना बाहर करते जाना है, ये आगामी अध्याय में आने वाला है। लवण समुद्र इस तरफ 2 लाख योजन, लवण समुद्र इस तरफ 2 लाख योजन, जानते हो ना ये डायमेंशंस कैसे बनेंगे, 45 लाख योजन कैसे बनता है? बीच में लवण समुद्र 1 लाख योजन, लवण समुद्र इस तरफ दुगुना उस तरफ दुगुना, दो दो कितने हो गए 5। फिर घनोद नहीं नहीं धातकी खंड, दूसरा खंड है धातकी खंड द्वीप, द्वीप है ना, तो धातकी खंड द्वीप में यहाँ पर इस तरफ 4 लाख योजन, इस तरफ 4 लाख योजन लगा लेना, 13 हो गया। अभी घनोदी सॉरी ये क्या है, ये कालोदी, कालोद समुद्र है वो, कालोदी है, तो इसका फैलाव और दुगना दुगना ले लीजिए, कितना होगा 8-8 योजन बढ़ेगा क्या, और 8-8 योजन बढ़ा। और बाहर का तीसरा द्वीप पुष्कर वर द्वीप कितना लेना पड़ेगा, 16 पुष्कर वर द्वीप। लेकिन पुष्कर वर द्वीप की पूरी डायमेंशन हमको आवश्यक नहीं थी, जो उसको बीच में घेर कर पर्वत जाता है, मानुषोत्तर पर्वत जिसको कहते हैं, पुष्करार्ध पर्वत, वहां तक लगाना है, इसलिए फिर से 16 न लगा के 8-8 ही लगाएंगे। आप इनकी यदि टोटल करते हैं सबकी, तो बराबर आपको 45 लाख योजन मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, 1+4+8+16+16 मिल रहा है आपको ये 45 लाख योजन। एक प्रश्न है आप सबको, मुझे इसको उत्तर चाहिए आपसे, इसका मतलब तो यही फलित हुआ 45 लाख योजन में से कहीं से भी सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, तो लवण समुद्र में से कैसे मुक्ति को प्राप्त हुए, प्रश्न है मेरा। लवण समुद्र में से 1 और कालोदी समुद्र में से, क्योंकि ढाई द्वीप की समझ में आती है, 2 समुद्र में से कैसे मुक्ति को प्राप्त हुए? ये तो संभव नहीं कि नाव में जहाज में बैठकर मुनिराज वहां तक बीच तक गए होंगे, ध्यान लगाया होगा और फटाफट मोक्ष चले गए होंगे, ऐसा तो नहीं संभव ना। तो कैसे संभव है कि, और समुद्र का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां से मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। इस न्याय से विचार करें तो सभी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र ही है। हम जितने भी दुर्गंध स्थान कहते हैं, शमशान है, लैट्रिन जैसी भी स्थान है, मतलब कोई स्थान यहाँ पर अपवित्र नहीं है कायदे से विचार करें तो। यह हमको इसलिए भी प्रेरणा मिलती है कि क्षेत्र परावर्तन में जिस प्रकार कहता ना, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां पर हमने जन्म नहीं लिया, वहां पर यह भी समझना एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो पवित्र नहीं है, जहां से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति किसी न किसी की नहीं हुई है। ये सोचकर हमारा वो आकर्षण ढीला पड़ जाता है किसी पर क्षेत्र समझते, मुझे यहां जाना वहां जाना, यहां अच्छा लगता है वहां अच्छा लगता है। प्रश्न क्या है मेरा, समुद्र में से कैसे मुक्ति हुई होगी, बोलिए। बराबर, कोई व्यंतर पूर्व भव के निमित्त बैर से यदि पटके उठाकर
तो उस कंडीशन में मुनिराज समुद्र में से भी मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसा एक भी क्षेत्र खाली नहीं है, मतलब उपसर्ग कितने जनों पर आया था ये आप सोच सकते हैं, एक भी स्थान खाली नहीं। चलो ये तो माना, अभी आगे का प्रश्न मेरा, बीचों बीच सुमेरु पर्वत है खड़ा, वहां से मुक्ति को प्राप्त कैसे हुए होंगे? प्रश्न सब समझ रहे हैं मेरी बात का? क्योंकि सुमेरु पर्वत है पूरा, और उसकी एकदम टिप ले लो आप, टिप शिखर उसका, तो बिल्कुल उसके ऊपर एक बाल अड़ा निकल जाए तो स्वर्ग चालू हो रहे हैं। तो मुनिराज ने कहां से ध्यान किया, कहां बैठकर? टिप पर तो बैठ नहीं सकते वे, पकड़ रहे मेरा प्रश्न सभी? वे बैठे कहां पर फिर? नीचे तो बैठ नहीं सकते कहीं वे मुनिराज, नीचे से ऊपर तक व्यंतर के फेंकने की भी बात यहां पर खड़ी नहीं होगी आपकी बिल्कुल भी, और ऊपर टिप के ऊपर जाकर बैठे हो सो भी बात नहीं, क्योंकि एक बाल आड़ा निकल जाए इतनी स्पेस है। तो आखिर यहाँ का स्थान ऊपर का खाली है क्या? प्रश्न है मेरा, सुमेरु पर्वत की बात मेरी चल रही है, बताएं बताएं। गुफाओं की बात नहीं है, आर पार तो कोई गुफा नहीं है ना, आप समझ गए मेरी बात को? एकदम बीच का पार्ट पकड़ो आप, सुमेरु पर्वत का, सुमेरु पर्वत का बीचों बीच पार्ट पकड़ रहे? वो तो घन है ना पूरा, उसमें तो जाने की सुविधा नहीं है ना किसी के पटकने की, वहां पर कहां से मुक्ति हुई? थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए, अभी जैसा सरल उत्तर नहीं है समुद्र वाला। मैं बोलूं, ये रिद्धिधारी मुनिराज जो ध्यान के लिए वहां पर जाते आते रहते हैं, उनमें ऐसी रिद्धियां होती है कि वे आर पार जा सकते हैं कितनी भी ठोस वस्तु के, इवन सुमेरु पर्वत से भी आर पार निकलते हैं। तो जब आर पार निकलते समय वे बिल्कुल बीच में आ गए हो, प्रतिघात से रहित इनका शरीर है, आगे सूत्र आएगा, उनकी ऐसी रिद्धि है, तो उनको एकदम उमंग बढ़ गई शुद्धात्मा की, वही ध्यानस्थ हो गए वे, क्योंकि शरीर की तो है नहीं, वो प्रक्रिया आत्मा की है, और शरीर व्याघात को प्राप्त नहीं हो रहा इनके। बस इस कंडीशन में वे ठीक ऊपर इसकी सीध में निकले तो बिल्कुल इसके ऊपर जाकर स्थित हो सकते, यही एक अवसर है, दूसरा अवसर फिर संभव नहीं है। पकड़ रहे सब मेरी बात को? मैंने अन्य मेरुओं का उदाहरण नहीं दिया सोच समझ कर, क्यों? फिर आप ये बोलते कि मेरु के ऊपर जाकर ध्यान किया क्योंकि छोटे छोटे है, अभी ये सुमेरु का तो ऐसा बोल नहीं सकते आप, क्योंकि इसके ऊपर के आड़ा बाल निकले तो स्वर्ग चालू है, बाकी के मेरु छोटे छोटे है, आप समझ रहे? लेकिन यहां पर ऐसी रिद्धिधारी मुनिरों के ये संभव होएगा। आगे के क्लास में हम आगे का सूत्र देखेंगे। ओम।